हाय स्टूडेंट, केनता छ पिले? आउ सबू भल भल? तो पिले आज आम जी टू केमिस्ट्री रो यूनिट फोर रो पार्ट फोर वीडियो रे पढ़मु एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जिनके तार प्रिपेरेशन आउ रिएक्शन पढ़मु, बुझी पार्ल? ये पार्ट पढ़ी सारे पिले तुम यूनिट फोर खत्म हो गला, तो तुम यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री, यूनिट फोर सब प्ले लिस्ट रे अच्छे, बुझी पार्ल? तो देखी नब। आउ यूनिट थ्री रोटे आउ गोटे भिडियो कराहबा जेना कि तुम इम्पोर्टेन्ट रिएक्शन आउ इम्पोर्टेन्ट रिएक्शन इम्पोर्टेन्ट मेकानिजम मन थी जेन जेनटा तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु इम्पोर्टेन्ट है, से भाई आम यूनिट फोर रही इम्पोर्टेन्ट मेकानिजम रोटे भिडियो बनईदेवि जेने कि रिएक्शन आउ तुम मेकानिजम थी क्या जी इन नोट मुझे डायरेक्ट तुम कान रिएक्शन पढ़े दूचे, बुझी पार्ल? हाँ कि नहीं आउ गोटे भिडियो पूरा मस्त मेकानिजम करी करी अपलोड कर देबे, सेने खाली इम्पोर्टेन्ट मेकानिजम थी सब मेकानिजम पढ़ने काम दिए, तो जेन जेन मेकानिजम तुम एग्जाम पढ़सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिकर मुझे सेन मेन मेन इम्पोर्टेन्ट मेकानिजम मैंने सब लिखीदेवि नोट करी करी आउ तुमके बुझेदेवि है। तो आज चलो आम पढ़मा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। चलो तुम सिलेबस जो नहीं देखबार देन तुम सिलेबस अनुसार सब पढ़ा पिले, यहाँ है तुम सिलेबस नहीं जान बोले लिखीदेव है। तो प्रिपेरेसन खाली पढ़मु आम फ्रम एसीड क्लोराइड आउ फ्रम नाइट्राइस पढ़मु आर रिएक्शन मैंने यहाँ सब पढ़मु आर इन मेन मेन रिएक्शन मैंने अच्छे पिले कानिजारो रिएक्शन आल्डोल कंडेनसेसन, तो इनर रिएक्शन भी मन रखा आ मेकानिजम भी इनु हेसी है। हाँ कि नहीं तो लिखल भिडियो पज कला आउ लिखल तो हाँ चलो आगे बढ़ हाँ तुम डायरेक्ट मुझे पिले नोट रू पढ़े दूचे है देख इला तुम नोट तो पार्छ बोले भिडियो पज कर लिखिदेव। तो मेथड ऑफ प्रिपेरेशन जेने कि तुम रोजेन मुंड रिएक्शन भी कहा जैसे जेनटा कि फ्रॉम एसिड क्लोराइड रू दिस रिएक्शन इज ए हाइड्रोजनेशन प्रोसेस व्हेयर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद द एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलाइज्ड पैलेडियम बेरियम सल्फेट इट गिव्स एल्डिहाइड। तो आम कहना जानू पिले ना आम जब एसिड क्लोराइड संगे जब हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट संगे जब रिएक्शन करमु आम कहना पेमु एल्डिहाइड पेमु कहना पेमु एल्डिहाइड पेमु देख निया यहाँ संगे रिएक्शन कराई आम कहना पेनु एल्डिहाइड पेनु, बुझी पार्ल? तो नोट लिख जदि आम बेंजोइल क्लोराइड नेमु बेंजिन थिबा सेन गणा सी डबल बन ओ सी एल थिबा तार संगे जदि हाइड्रोजन रिएक्शन करनु इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलाइस्ट के थिबा ना पैलेडियम बेरियम सल्फेट तो कण हबा बेंजाल्डिहाइड, बुझी हला? हाँ कि नहीं माने इनर एच टू बेले के हाइड्रोजन दुईटा तो गुटे हाइड्रोजन सीएल के धरिकी पलावा जेनटा कि एसीएल आ गोटे एच आसिकर पाखे लगवा, बुझी पार्ल? तो एल्डिहाइड ही जीवा मन रखी पार्ब रोजेन मन रिएक्शन बहुत ही सहजिया इन्हें भी देख हाइड्रोजन केतेटा पिले हाइड्रोजन केतेटा दुईटा तो गुटे हाइड्रोजन सीएल के धरिकी पलावा आ गोटे एच इन लगवा, हाँ कि नहीं बुझी पार्ल? बुझी पार चलो इन्हें कीटोन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड पिले रोजेन मन रिएक्शन रे कण है ना तुम ये जेन कीटोन प्रिपेयर ही नहीं पारे, बुझी पार्ल? ओनली एल्डिहाइड तो लख। चलो एबे आम देखमु फ्रॉम नाइट्राइल्स थ्रू जेना स्टीफेन्स मेथड, बुझी पार्ल? हाँ कि नहीं तो ये एंती है रिएक्शन पीले जिते बिले आम मनकर इथेन नाइट्राइल नेनु इन द प्रेजेंस ऑफ एस एन सी एल टू से बिले कण हवा एमिनी फॉर्म हाँ बुझी पार्ल? हाँ कि नहीं एमिनी फॉर्म हला एमिनी फॉर्म हला परे आमे जो एच टू संगे रिएक्शन करमु आमके काना पिले एल्डिहाइड गिवन दबा काना गिवन दबा ना एल्डिहाइड आमके गिवन दबा माने इनु काना हबा एन एच थ्री टा एच टू मैंने एच ओ एच लिखि पार्मू तो इनु कण एन एच थ्री पले जावा आउ ओ आसिकर डबल बन सिंगल बन हाँ आउ ओ आसिकर पाखे लगवा आर सी एच ओ हाँ यहाँ है एल्डिहाइड हाँ, बुझीला कि डाउट अच्छे बुझीला? तो चलो यहाँ है तुम स्टीफेन्स मेथड है तो इनु भी आम कण एल्डिहाइड एका पेमु नाइट्राइल रू भी आम कण एल्डिहाइड एका पेमु देख ल। चलो एबे आमे केमिकल रिएक्शन सब पढ़मु तो फास्ट केमिकल रिएक्शन का पढ़मु ना रिएक्शन विथ एस सी एन रिएक्शन विथ एस सी एन तो जदि आम एस सी एन संगे जो रिएक्शन करमु बुझी पार्ल कि नहीं बिले
ना गुटे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हवा सीएन लगवा आउ ओ सांगे एच लगवा बुझेगा तो हवा एल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन तो रिएक्शन लिखी दबो बुझेगा हाँ कि नहीं एल्डिहाइड रू तापर रिएक्शन विथ अल्कोहल जिते बेले आम पीले एल्डिहाइड के जदि अल्कोहल संगे रिएक्शन करमु सेम प्रोसेस ओएच लगला बेन आरडेक्स ओ संगे लगला हला तो ये हला हेमी एसिटाल के जदि आर संगे अल्कोहल किए जी आरडेक्स देने पीले जेहेतु इन आर गोटे अच्छे ना इतना मुझे कन्फ्यूज नहीं हाँ बोलिए आरडेक्स देली फिर जदि अल्कोहल संगे रिएक्शन करमु कण हवा देख इन ओएच अच्छे ना इन ओएच अच्छे बुझी पार कि नहीं पलेजी कर आरडेक्स ओ आसीज मैंने ओ आरडेक्स आसीज यहाँ है एसिटाल बुझीला हाँ कि नहीं बुझीपार तो इन ओएच पलिजी इन एच एस टू ओ पलिजा इन इन ओ आरडेक्स आसीज इनके इनके आसीगला ओ आरडेक्स बुझीला तो यहाँ हमती नब बुझीपार ओके एबे रिएक्शन विथ एन एच एस ओ थ्री तो इन्हें कण हवा देख डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ही जीवा एन एच एस ओ थ्री के मुझे क्या लिखी पार्बी एन ए के एन ए लिखली एच के एच लिखली एसओ टू के कण लिखी एसओ टू आउ ओ गोटे लिखी पार्बी एसओ थ्री के लिखी पार्बी एसओ टू आउ ओ तो जेन लगवा इन एच गोटे पीले इन जेन एच अच्छे हाँ कि नहीं एच अच्छे ना आउ इन जेन एसए टू मान ये क्या लिखी पार्मू देख एम लिखी पार्मू ना एन एच एसओ टू ओ लिखी पार्मू तो जेन इओ आच आसिकल इन है आउ रहा कण इओ सांगे लगवा तुमर एसओ टू एन ए बुझिपार यहाँ है तुमर बायसल्फेट एडिशन प्रडक्ट दिशुचे दिशुचे जो पिले नहीं भल से नहीं दिशार क्वालिटी देन बढ़े दि बुझीला चल हाइड्रोफर्म एवं पढ़मा हाइड्रोफर्म टेस्ट बुझिपार सी एस थ्री सी एच के जदि थ्री मोल अफ एन ए आईओ संगे जो रिएक्शन करूँ आमको क्या हाइड्रोफर्म दबा बुझिपार प्लस एस सी ओ ओ एन ए बाहरी यहाँ है रिएक्शन यहाँ है हाइड्रोफर्म टेस्ट आमको क्या हाइड्रोफर्म दूचे बुझीला ओके एबे देख आल्डोल कंडेंसेशन आल्डोल कंडेंसेशन बोले देख जेने तुमर फंक्शनल ग्रुप लगवा सेटा हला अल्फा कार्बन हवा आउ ता साइड रे जहा लाइथिबा सेटा हला तुमर बीटा कार्बन हवा बुझी पालो जदि अल्फा कार्बन अछे माने अल्फा हाइड्रोजन भी हवा आउ जदि अल्फा हाइड्रोजन हवा बुझी पालो हाँ कि नहीं तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप डबल बन ओ लगे तो ये कण आल्फा कार्बन यहाँ कण तुम ए सरी यहाँ सी डबल बन ओ एच एच की तुम क्या है फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ तुम क्या आल्फा कार्बन है यहाँ तुम क्या फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बन ओ एच तो तार पाखे लगे तो यहाँ कण आल्फा कार्बन है बुझीला यहाँ के जदि आम रिएक्शन करमु डायल्यूट एन ए ओ एच सांगे तो कण हवा पीले ना तुम सी एच थ्री के मुई सी एच थ्री लिखली सी एच के सी एच लिखली बुझीपार इनर जेन सी एच थ्री तो इनर गोटे एच आसिक ओ रे मिसला तो गोटे एच आसिक ओ एच रे मिसला तो रहला सी एच टू इन सी ओ एच सी एच ओ लिखीदेली यहाँ है तुम आल्डोल बा थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटानल तो बुझीपार इटा के जिते बेले मुई डायल्यूट ए सी एल संगे रिएक्शन करी कण हवा देख इ जेन सी एच टू मुझे कण लिखी पार्बी देख ये के हिसाब लिखी पार्बी आल्डोल के मुझे हिसाब लिखी पार्बी आल्डोल के मुझे हिसाब लिखी पार्बी लिखी दूचे सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच टू अच्छे मान इन गोटे एच लिखी पार्बी हाँ कि नहीं देन सी एच ओ तो इन कण वाटर बाहरी जावा तो रहा यहाँ देख सी एच थ्री सी एच डबल बन आसी जावा सी एच तापर सी एच ओ के मुझे कहना सी डबल बन ओ एच लिखी दीछे बुझीपार हाँ कि नहीं तो आल्डोल कंडेंसेशन कण हैसी टू मोल अफ जदि आल्डिहाइड नेमु ये कण दुईटा मोल अफ आल्डिहाइड 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 संगे कीटोन कीटोन सांगे रिएक्शन हवा बुझिपार कि नहीं
आल्डोल सॉरी आल्डिहाइड आल्डिहाइड सांगे आउ कीटोन कीटोन सांगे रिएक्शन हाँ यहाँ कीटोन ने टू मोल यहाँ भी जमी डायल्यूट एनओएच सांग कली तो सी एच थ्री यहाँ काण तुमर ग्रुप है तो ये कहना आल्फा बुझिपाल हाँ कि नहीं तो यहाँ एमती है एबे पिले देख इन्हें गोटे देख इन आल्फा बीटा के जानबो देख ओएच लाइछे इटा ला तमरा फंक्शनल ग्रुप तो फंक्शनल ग्रुप रो जिन कार्बन लाइछे सेटा हला आल्फा कार्बन आ साइड रो काण हबा बीटा कार्बन हबा एटा काण बीटा हबा ई काण हबा बीटा हबा एबे बुझि पालो आल्फा कार्बन आ बीटा कार्बन बुझि पालो आल्फा कार्बन आ बीटा कार्बन तो गोटे फंक्शनल ग्रुप रे जिन कार्बन लाइछे सेटा हला आल्फा बुझि पालो हाँ कि नहीं आ जिन आल्फा कार्बन रे साइड साइड जिनटा थिबा सेटा हला बीटा बुझीला तो एबे जिमा कानी जारो रिएक्शन तो इटा भी तमर फॉर्मल्डिहाइड माने आल्डिहाइड आल्डिहाइड के करमु माने हमके काण सोडियम फॉर्मेट दबा देखो दुईटा फॉर्मल्डिहाइड नेली रिएक्शन कोली एनओएच इने काण अल्फा हाइड्रोजन ऑब्सेंट देखो पीली इटा गोटे काटा फंक्शनल ग्रुप एस सी डबल बॉन्ड ओ एच तो साइड रे गोटे कार्बन लागिथिले ही सेटा अल्फा कार्बन हवा आउ अल्फा कार्बन थिले ही अल्फा हाइड्रोजन थिवा इना तो अल्फा कार्बन एखा नहीं ना तो हाइड्रोजन के नुथिबा बुझि पालो इटा खाली हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन नहीं से बुझि पालो तो फंक्शनल इने जदि कार्बन जदि थिता बेले अल्फा कार्बन हितिता जदि अल्फा कार्बन रे जदि हाइड्रोजन लाइछे अल्फा हाइड्रोजन भी थिता बट इना अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन अछि कि पिले अल्फा कार्बन तो नहीं ना तो अल्फा कार्बन जदि नहीं ना देन अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं ना बुझि हला तो जो आम बेंजाल डी आइल भी जो दुई थ नेनु इन द रिएक्शन ऑफ एनओएच संगे हमके ये रिएक्शन दबा इटा ला तमर कानी जारो रिएक्शन इन अल्फा हाइड्रोजन ऑप्शन बुझी हला चल तापर इटा ला बेंजोइन कंडेंसेशन इटा भी गाना टू मोल ऑफ बेंजाल डी हाइड नेनु बुझी पाल टू मोल ऑफ रिएक्शन कनु एससीएन संगे कहार संगे रिएक्शन कनु एसियन संग रिएक्शन रिएक्शन कनु तो आमके काणा देला ना बेंजोइन देला काणा देला बेंजोइन सी सिक्स एस फाइव डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ही जीवा बुझे पाल एच तो इने लगला बुझी हला हाँ कि नहीं बुझी हला तो इनर एच गोटे इनके जीवा तो हला ओ एच देन सी डबल बॉन्ड ओ सी सिक्स एस फाइव बुझी हला इटा हला बेंजोइन बेंजाल्डिहाइड एबे देख क्लीमेंसेंस रिडक्शन तो क्लीमेंसेंस रिडक्शन रे काणा हेसी आमे जदि आल्डिहाइड के रिडक्शन करमु आमके आल्केन देवा कीटोन के जदि रिएक्शन करमु आमके आल्केन देला तो बोथ आल्डिहाइड आउ जदि कीटोन के जदि आमे रिडक्शन करमु तो आल्केन देवा सेटा हला क्लीमेंसेंस रिडक्शन बुझि पारल हाँ कि नहीं आल्डिहाइड के मुई फोर हाइड्रोजन सांगे काणा रिडक्शन कनी इन द प्रेजेन्स अफ जेड एन आउ एस जी देन आम के काण आल्केन देला इटा हला रिएक्शन से भाया कीटन के जदि करबे बोले आम के काण दबा आल्केन एखा दबा बुझी पारल हाँ कि नहीं माने फोर हाइड्रोजन बेले काण पीले दुईटा हाइड्रोजन तो दुईटा हाइड्रोजन के ना लगवा कार्बन सांगे लगवा आउ दुईटा हाइड्रोजन ओ संग मिसिक एस टू ओ बाहरी जावा इटा हला क्लीमेंसेंस रिडक्शन बुझी पारल एबे देख उल्फ किस्नर रिएक्शन इटा भी हेंती बिले आमे जदि आल्डिहाइड आर कीटोन के जदि करमु रिएक्शन बेले आमके काणा आल्केन एखा देवा देख इटा जदि आमे रिएक्शन करमु एन एच टू सांगे तो इनु काणा देख एच टू वाटर बाहरी गला एन एन एच टू लागला इटा हला हाइड्राजोन फिर जदि हाइड्राजोन के जदि रिएक्शन करमु आमे के ओ एच सांगे तो काण हबा आमके आल्केन देवा बुझी पारल हाँ कि नहीं बुझी हला कि बुझि पारल तो यहाँ लिखी दे पिले ओके चलो अभी फास्ट रू नोट देखी दियो चलो देखो देखो लेखो तापर स्टीफेंस मेथड हला तापर रिएक्शन विथ एसीएन वीडियो पॉज कर आउ लेख रिएक्शन विथ अल्कोहल
तापर रिएक्शन विथ NH3 तापर आइडोफर टेस्ट तापर लेख आल्डोल कंडेंसेशन बुझीला देन लेख कानिजारो रिएक्शन देन लेख बेंजोइन कंडेंसेशन देन लेख क्लेमेंसेंस रिडक्शन देन लेख उल्फ-किस्नर रिएक्शन लेख। तो प्रैक्टिस करो पिले, तो सब खुश रह बिंदास रह जय जगन्नाथ।